सबने तालियां मारी, वो लड़के तीनों भी ज्वाइन कर गए मुझे। उसके बाद किसी गांव में विरोध नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ ना बाद में हुआ। वो सबने तालियां मारी, वो लड़के तीनों भी ज्वाइन कर गए मुझे। उसके बाद किसी गांव में विरोध नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ ना बाद में हुआ। नमस्कार, सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा ये आपने सुना, बार बार मैंने रिपीट करके भी आपको बताया है। इसी चीज को लेकर कल गांव में एक पंचायत भी हुई, यानी कुतिया वाली गांव में दूसरी बार पंचायत होती है। पंचायत में क्या क्या किया, क्या क्या नाराजगी थी, ग्रामीण वासियों ने अपनी बात तो वीडियो में रख दी है। अब बात करते हैं कि आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आज तक पर जाते हैं और आज तक से एक परी फिक्स वीडियो होता है, और जिसके बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई कहता है इस बात का, कहते हैं कि ऐसे हुआ, मैंने ऐसी नाराजगी दूर की और जो लड़के विरोध कर रहे थे उन लड़कों ने मुझे ज्वाइन कर लिया, यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और कल क्या होता है, कुतियावाड़ी के अंदर वही तीनों युवक मौजूद होते हैं जिसकी वीडियो भी आपने देखी होंगी, और वो कहते हैं कि हमने बीजेपी को या चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि चुनाव के अंतिम समय में आखिर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को क्यों किसानों की सैंपथी की जरूरत पड़ी, यानी वो जो युवक है वो किसान नेता है और फिलहाल उन्होंने दावा भी कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा चुके हैं, आखिर सैंपथी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सट्टा बाजार देख लीजिए या ओपिनियन पोल देख लीजिए, या तो वैसे सट्टा बाजार की काफी मार्केट है, कुछ सट्टा बाजार मार्केट के अंदर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई बराबर चल रहे हैं चंद्र प्रकाश से, और फलोदी सट्टा बाजार के अंदर तो भव्य बिश्नोई जो है 5,000 या 6,000 वोटों से हार रहे हैं चंद्र प्रकाश से। ये आंकड़े फिलहाल के चुनाव से एक दिन पहले के आ रहे हैं, और ये वीडियो तो लगभग चौधरी कुलदीप बिश्नोई का इंटरव्यू लगभग 4 या 5 दिन पहले का है, लेकिन कुतियावाली गांव के अंदर पंचायत कर एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिला है जिसका इफेक्ट पूरे आदमपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद गांव कुतियावाली की पंचायत की जो वीडियो जारी हुई उसके बाद लोगों में एक बार फिर से सुबराट होने लगी है कि चौधरी साहब मड़िया के सामने आखिर क्यों झूठ बोलते हैं। तो ये कामों की नाराजगी है, जनता का हक होता है सवाल पूछना, उस चीज को लेकर उनका फैसला भी हो चुका था, लेकिन मुझे ज्वाइन कर लिया है गांव वालों ने या उन तीन युवकों ने मुझको ज्वाइन कर लिया है ऐसा कहना क्या शोभा देता है चौधरी साहब को? इसी चीज को लेकर ग्रामवासियों ने कहा कि चौधरी साहब की जो भी अकड़ है वो इस बार चुनाव में निकाल दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं समीकरण क्या कहते हैं। समीकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया, सफलौदी सट्टा बाजार के अंदर समीकरण 80-90 का रेट है और 80 भव्य बिश्नोई और 90 चंद्र प्रकाश जी चल रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार ने पहले बता दिया है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, ऐसे में कांग्रेस की हवा की तरफ रुख जा रहा है और उस रुख को पलटने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन अभी चुनाव का समय जा चुका है। और ऐसे में ग्रामवासियों की जो डिटेल्ड बात थी मैंने बताई, इस चीज की चर्चा आज पूरे हरियाणा के अंदर हो रही है। एक यहाँ पर श्रुति चौधरी की भी एक ऐसी ही अकड़ तो शाम के अंदर देखने को मिली, एक थोड़ा सा मामला मेरे सामने आया था कि श्रुति चौधरी ने भी अकड़ में कुछ कार्य किया, यानी एक वो अकड़ भी तो शाम के लोग भी चाहते हैं कि श्रुति चौधरी की इस बार अकड़ निकाले, और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्या सवाल करना, क्या जवाब करना, अगर आप किसी पार्टी में हैं, अगर आप निर्दलीय हैं या अगर आप किसी को समर्थन भी नहीं करते, कोई नेता आपके बारे में कहें कि आपको मैंने अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बिना ज्वाइन करे ही, तो कितनी बड़ी शर्म की बात होती है कि कुछ वोटों के लिए चौधरी साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ही गाँव वालों ने कहा। इसके लेकर आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप अपने विचार कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।